नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक TIA पोर्टल प्रोजेक्ट के अंदर हम ड्राइव के पैरामीटर्स को फैक्ट्री रीसेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट व्यू में खोल लेंगे और अपने ड्राइव ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड कर लेंगे। उसके अंदर ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक्स बटन को डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ हमें गो ऑनलाइन बटन को दबाना है और हमारी ड्राइव ऑनलाइन हो जाएगी। अब हमें फंक्शन ऑप्शन को एक्सपेंड करना है और यहाँ बैकिंग अप या रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स के नीचे हमें लिस्ट को ड्रॉप डाउन करना है। यहाँ हमें स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट और सेफ्टी पैरामीटर सेट को रीसेट करने के ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने सेफ्टी पैरामीटर कॉन्फ़िगर किए हुए हैं तो हमें पहले सेफ्टी रीसेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम स्टैंडर्ड पैरामीटर रीसेट कर सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमने कोई सेफ्टी पैरामीटर कॉन्फ़िगर नहीं किए हुए हैं तो हम स्टैंडर्ड पैरामीटर रीसेट के साथ ही परफॉर्म करेंगे और अब स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग का एक पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ हमें सेव फैक्ट्री सेटिंग इन EEPROM का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप फैक्ट्री सेटिंग्स को EEPROM में सेव कराना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे और कंफर्म करने के लिए ओके पे क्लिक करना है। तो हमारा फैक्ट्री रीसेट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ड्राइव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए डायग्नोस्टिक्स को एक्सपेंड करना है और डायग्नोस्टिक जनरल पर क्लिक करना है। तो ड्राइव की इन्फॉर्मेशन हमें इस तरीके से दिख जाएगी। तो अब हम ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक विंडो को क्लोज कर देते हैं। अब हमें अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी ड्राइव के पैरामीटर्स को सेट करना है। इसके लिए हमें ड्राइव एलिमेंट पर राइट क्लिक करना है और डाउनलोड टू डिवाइस पर क्लिक करना है। ड्राइव का डेटा डाउनलोडिंग के लिए कंपाइल हो जाएगा और कंपाइलिंग कंप्लीट होने के बाद हमें लोड बटन पर क्लिक कर देना है। तो डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन विंडो में मैसेज मिल जाएगा कि 0 एरर और 0 वार्निंग के साथ हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से हम ड्राइव की फैक्ट्री सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं और उसको TIA पोर्टल प्रोजेक्ट के थ्रू रिकन्फिगर कर सकते हैं। धन्यवाद।